किससे पूछ के सगाई की तारीख आगे की थी तुमने अमन? मैं हर काम तुमसे पूछ के नहीं करूंगा। मुझे पता है कि मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लो। ओके। क्योंकि मैं तब तक चैन से नहीं बैठ सकती जब तक जूही राहुल की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। अरे राहुल तुम? यार राहुल कमाल है यार, तुम अपनी बीवी के कमरे में भी नॉक कर कर आते हो। अपनी बीवी को भी पराया मानते हो क्या? नॉक करके आने का अपनेपन या परायेपन से कोई ताल्लुक नहीं है मैं। दिस अ मैनर्स जो शायद किसी में नहीं है। सॉरी। और अगर मैं नॉक करके नहीं आता तो पता नहीं क्या कुछ सुन लेता जो नहीं सुनना चाहिए था। राहुल तुम भी ना कुछ भी कह देते हो। वो अमन किसी जरूरी काम के लिए आया था। एक मिनट सिमरन, तुम तो ऐसे नर्वस हो रही हो जैसे हम दोनों के बीच कुछ अजीब सी बातें चल रही थी। वही वो चक्कर वक्कर टाइप्स की बातें। यार राहुल चक्कर ये है कि मेरा इस शहर में कोई दोस्त नहीं है और तुम्हारी बीवी की चॉइस ना बहुत अच्छी है। तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी होने वाली बीवी के लिए एक एंगेजमेंट रिंग सेलेक्ट करते हैं। हाँ वही तो। वैसे जूही ने तुम्हें इनवाइट किया होगा ना हमारी सगाई पे? खैर मैं चलता हूँ, यू गाइस कैरी ऑन। बेकार की बातें मत किया करो। मैं कोई जूही नहीं हूँ जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए। तुम जैसे शिकारी को बनाने में ही तो मजा आता है। इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि मेरे राहुल को मुझ पे शक ना हो जाए। ओके? फिलहाल तुम मुझ पर भरोसा तो करती हो? भाई साहब कोई ऐसी रिंग दिखाइए जिसमें सूरज जैसी चमक हो और चांदनी जैसी ठंडक हो। जी अच्छा दिखाता हूँ। अंगूठी चांदी की हो लेकिन लगे कि वाइट गोल्ड की है, जिस पे हीरे जैसे दिखने वाले नग जड़े हो। एक्सक्यूज मी अमन, तुम तुम्हारी एंगेजमेंट की रिंग खरीद रहे हो किसी दुश्मन के लिए नहीं? ओके नहीं, दोस्त को, जिसका सबसे प्यारा दुश्मन मैं हूँ। सिमरन इस अंगूठी पर ना इतने पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं शादी कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ ना, और इस चीज को तो मैं उसकी उंगली से निकाल कर उसे बेच भी नहीं सकता, तो मेरे लिए तो एकदम वेस्ट है यार। और अगर जूही को पता चल गया तो? शिकारी होकर इतनी भोली, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है। अगर मैं जूही को बोलूंगा दिन तो वो दिन कहेगी, चाहे रात क्यों ना हो। धोखा, भरोसा। भरोसा कर दिया मेरे प्यार पर। भाई साहब जरा रिंग दिखाएंगे प्लीज? मेरे पास तो सिर्फ गोल्ड की रिंग है। सुन कहीं और चलते हैं। देखा चू, मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा पति चुना है। मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल खुश नहीं है कि मैं अमन से शादी कर रही हूँ। जूही अगर राहुल तुमसे प्यार करता है तो उसे तुम्हें खुश देखने की इच्छा होनी चाहिए। जूही मेरे राहुल को मुझसे छीनना चाहती थी ना? अच्छा, she deserves you. उसके नसीब में तुम्हारे जैसा फ्रॉड और लालची आदमी लिखा है। क्या राहुल देवता है क्या? शादीशुदा होकर वो दूसरी औरत के लिए लालची है। जूही ये बताओ कि तुम्हें कैसी रिंग पसंद है? मैम एक सिंपल सा प्यारा सा व्हाइट बैंड हो, उसके ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा डायमंड हो, बस बहुत सिंपल बहुत स्वीट। मुझे यहाँ तुम्हारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुमने राहुल के सामने वो अच्छा सा बहाना बनाया था। तुम्हारी सगाई है, अंगूठी तुम ही खरीदो, मैं चली। देखो यूं लूट कर जाने की कोई जरूरत नहीं।
मेरी और जूही की सगाई के लिए तुम्हें मेरी पसंद की अंगूठी तो खरीदनी पड़ेगी। चलें। जूही, हम बिल्कुल ऐसी ही रिंग खरीदेंगे। सामने जो ज्वेलर है ना, वहां अच्छे डिजाइन्स मिलते हैं। नहीं मैम, आप तो समझ सकती है ना, मैं ये अब नहीं खरीद सकती। ये तो बस मेरा एक सपना था जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। जूही चलो भी। अरे मैम, मैम आज मेरे पास पैसे नहीं है, रिंग हम कभी और ले लेंगे। तुमसे किसने कह दिया कि पैसे मैं दूंगी? मैं किसी और की बातों पर यकीन नहीं करता, सिर्फ अपने दिल की सुनता। और तुम मेरी बात सुनो, तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी शादी बनी रहे, तो फिर इस सगाई के लिए तो बहुत छोटा सा गिफ्ट है। मैम धीरे। हाँ देखो जूही, खरीदना तो आज ही है। अगर आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं दे दूंगी। ओके। यहाँ बहुत अच्छे डिजाइन्स मिलते हैं। अगर तुम अपने पैसों से नहीं खरीदना चाहती तो मुझे पैसे दे दो, मैं खरीद लूंगा। अब चलो भी, इतना टाइम क्यों लगा रही हो सोचने में? अमन, जो ये कितनी देर लगाओगी सोचने में? मैम लेकिन प्लीज मैम, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, चलो। वैसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ भी सकता है। अगर जूही अपने होने वाले पति को राहुल की बीवी के साथ देख ले, वो भी बाहों में बाहें डाले। कमाल है, संजीवनी की ट्रस्टी होकर तुम बास्केटबॉल कोर्ट में नहीं आ सकती, मैं कौन सा तुम्हारी बाहों में बाहें डालकर खड़ा हूं? अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो प्लीज जरा बताओगे कि सगाई की तारीख फिर से 16 हुई या नहीं? मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं रहेगी। तुम्हें क्या लगता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? ये सब तुम मुझ पे क्यों नहीं छोड़ देते अमन? सिमरन, अपने आप पर इतना भरोसा मत रखो, और स्पेशली अपनों पर, क्योंकि तुम्हारा राहुल ही मुन्ना जगताप के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। देखो मुझे क्या करना है ये तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, जो मुझे करना है वो मैं तय करूंगी, और जो तुम्हें करना है ये भी मैं ही तय करूंगी, क्योंकि इसकी कीमत अदा कर चुकी हूँ। रिमेम्बर अमन, अगर तुम्हें बेवकूफ बनना है तो बनो, मैं नहीं बनना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि राहुल भरी सभा में मेरी असलियत बताए। तुम्हारे चाहने नहीं चाहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहती कि जूही जल्द से जल्द तुम्हारी हो जाए। ओके देखो सिमरन, आवाज नीचे अमन, मैंने तुम्हें खरीदा है, तुमने मुझे नहीं। और एक बात बता दो, अगर 16 जुलाई को तुम्हारी सगाई नहीं हुई ना अमन, तो वो जो पैसों की बारिश की खन खन तुम्हें सुनाई देती है ना, वो बस हल्की सी बूंदाबांदी बनके रह जाएगी। जितनी देर तुम करोगे ना, उतने ही तुम्हारे पैसे कम होते जाएंगे। याद रखना, अमन पर इतनी धौंस किसी ने नहीं जमाई, एक दिन ऐसा बदला लूंगा कि पैसों की बरसात भी तुझे बचा नहीं पाएगी। पर उससे पहले मुझे पैसे चाहिए, उसके लिए दोबारा सगाई की तारीख बदलनी होगी। कम वक्त कैसे बदलूं? एक बार अशुभ बता चुका हूं। मैं बहुत खुश हूं कि सगाई 16 तारीख को हो रही है, कितनी अच्छी बात है ना।
कि हमारी चूही सेटल हो जाएगी। राहुल, उसे क्या गिफ्ट देंगे? कुछ अच्छी सी चीज देनी चाहिए, है ना? कुछ ऐसी चीज कि वो जिंदगी भर याद रखे। बता ना राहुल, उसे क्या देंगे? तुम तो उसे इतनी अच्छी तरह से जानते हो, है ना? उन्हें जत्ता उसी दिन आने वाला, जिस दिन इनकी सगाई है। मुझे लगता है अमन ने इसलिए सगाई की तारीख बदली थी। फिर क्या हुआ? वापस उसी दिन सगाई हो रही? कैसे? राहुल, जूही और अमन के प्यार को मानना पड़ेगा, है ना? देखो ना, उन्होंने शुभ और अशुभ की सारी सीमाएं तोड़ दी। हम साथ चलेंगे ना उन्हें विश करने? तो क्या मैं ही गलत सोच रहा हूँ? अमन को मुन्ना जगताप की कोई परवाह नहीं? क्या वाकई दिन अशुभ था? राहुल, इतने चुप क्यों हो? क्या सोच रहे हो? सिमरन, मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो दिन वाकई अशुभ था तो वो लोग सगाई कैसे कर रहे हैं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।